जो हमें इन बंधनों से मुक्त करे वह सदगुरु, जो हमें भव पार ले जाए वह सतगुरु, जो अपना सब कुछ दे के कंगाल हो जाए वह सतगुरु, जो अपना सब कुछ दे के कंगाल हो जाए वह सतगुरु, जिसमें यह समर्थ है वह सतगुरु बने। हर किसी में ऐसा समर्थ नहीं है। स्वामी विवेकानंद का नाम किसने नहीं सुना हुआ, और रामकृष्ण परमहंस उनके दिग्ग गुरु का नाम भी किसने नहीं सुना हुआ। स्वामी विवेकानंद बहुत कुछ अपने सदगुरु से प्राप्त कर चुके हुए। सदगुरुनाथ ने क्या नहीं दिया उन्हें, सब कुछ अपना दे दिया, फिर भी आज विवेकानंद एक पाबरी बाबा के आश्रम में गए हैं, जाके उन्हें प्रणाम किया। पाबरी बाबा बड़े प्रसन्न हुए, स्वामी विवेकानंद मेरे पास आया है। स्वामी विवेकानंद ने पाबरी बाबा को देखा, मन में विचार आया, ये मेरे सदगुरु से कहीं अच्छा है, ये मेरे सदगुरु रामकृष्ण परमहंस, उनसे ये पाबरी बाबा अच्छा है। क्यों? ये तो एक बार भी पूजन नहीं करता, और रामकृष्ण परमहंस प्रायः दो बार खाते हैं, कभी कभी एक बार। ये पाबरी बाबा तो केवल वायु पर अपना निर्वाह करते हैं, इसलिए ये मेरे सदगुरुनाथ से अच्छे हैं। सोचते सोचते आंख बंद हो गई विवेकानंद की, मानो ध्यान मग्न हो गए स्वामी विवेकानंद। आंख खोलते हैं विवेकानंद, क्या देखते हैं, दिव्य गुरु रामकृष्ण परमहंस सामने खड़े हैं और लान तान करते हैं अपने शिष्य की, अरे मूर्ख तुझे सब कुछ दे के मैं कंगाल हो गया हूं, लेकिन तेरी कंगाली दूर नहीं हुई। तभी तो मन में संदेह हो रहा है, ये मेरे सदगुरुनाथ से अच्छा, अरे मैं तुझे सब कुछ अपना दे के कंगाल हो गया हुआ हूं, लेकिन तेरी कंगाली दूर नहीं हुई। विवेकानंद को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आगे की चर्चा कल करेंगे देवियों सज्जनों, इसी बात के ऊपर आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। परमेश्वर ने सदगुरु का स्थान बहुत ऊंचा रखा हुआ है। एक बात अंत में फिर कहूंगा, सदगुरु सदगुरु है। स्वामी जी महाराज का वह दोहा आप प्रायः पढ़ते हैं, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। कभी आगे की पंक्ति पर आपने संभवतया ध्यान दिया है कि नहीं दिया, मन मांगा फल तब मिले जपे राम का नाम। ये नहीं कहा मन मांगा फल तब मिले जब आप पुत्र के लिए प्रार्थना करो तो पुत्र मिले, व्यापार के लिए प्रार्थना करो तो व्यापार आपका ठीक हो जाए, प्रमोशन के लिए प्रार्थना करो तो प्रमोशन आपकी हो जाए, ये नहीं कहा। मन मांगा फल तब मिले जपे राम का नाम, बिन मांगे जो मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ है उसे ही संत कहा जाता है, उसे ही सद्गुरु कहा जाता है। जब संत की महिमा गाई जाती है, कहते हैं